संसार की रचना का मुख्य आधार है ओ, जिसकी महानता और पवित्रता को पहचाना। एक नेक दिल इंसान और महान जादूगर गुरु आदित्यानंद ने अपनी शक्ति से एक स्कूल का निर्माण किया, आबरा का डाबरा स्कूल ऑफ मैजिक। दूर दूर से बच्चे यहां जादू सीखने आने लगे। गुरु आदित्यानंद पूरी सच्चाई के साथ तन मन से उन्हें जादू सिखाने लगे। जहां सच होता है वहां झूठ भी, झूठ और बदी की प्रतीक बिजली। शक्ति, शक्ति, शक्ति। बिजली पूरी दुनिया पर राज करना चाहती थी। बोल आईना, बोल। क्या है? कौन है जो मुझे शक्ति दे सकता है? गुरु आदित्यानंद। आदित्यानंद की शक्तियों का पता चलते ही अपनी सोच को अंजाम देने के लिए जादूगरनी बिजली उनकी शरण में आ गई। कल को जानने वाले आदित्यानंद ने बढ़ती उम्र के साथ अपनी जादुई शक्तियों को इकट्ठा कर एक छड़ी का रूप दे दिया। अब गुरु आदित्यानंद के पास थी संसार की सबसे शक्तिशाली जादुई छड़ी, जिसे पाना चाहती थी बिजली। ये छड़ी मुझे दे दो। नहीं, ये छड़ी मैं तुम्हें नहीं दूंगा। ये छड़ी मैं तुमसे छीन लूंगी। आदित्यानंद की मृत्यु हुई और साथ ही बिजली की भी मौत। लेकिन गुरु आदित्यानंद की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली, वो वहीं कैद होकर रह गई। और आज 200 साल बाद सामने नहीं आता। तो मुझे भी हवा में बात करने की आदत नहीं है। और मुझे भी तेरे जैसे छुटकिन की ऊंची आवाज सुनने की आदत नहीं है। देखो, मेरे तीन गिनने तक आप सामने नहीं आए ना, तो मैं आपके अंदर कंप्लेन कर दूंगा। हाँ, तुम अंदर जा पाओगे तो शिकायत करोगे ना? अगर मैं अंदर नहीं गया ना तो मेरी चाची मुझे ढूंढने बाहर आएगी। चाची? स्कूल की प्रिंसिपल। क्या? आरबी के भतीजे हो? आरबी कौन? अरे आरबी का मतलब रंग बिरंगी स्कूल की प्रिंसिपल। चुटकन हमी से होशियारी। नहीं, ये थी चुटकन की
छोटी सी शरारत। नाम क्या? शानू। इतने सियाने बच्चे का नाम शानू ही तो हो सकता है। वैसे आप कौन है? मैं आबरा का डाबरा स्कूल का केयरटेकर चौकीदार लीबू चाचा। एक जमाने में प्रोफेसर हुआ करता था, लेकिन अब अब क्या हुआ? अरे छोड़ो यार, एक लंबी कहानी है। लीबू चाचा अब मैं अंदर जाऊं? अरे इतनी रात हो गई है, इस समय ना कोई अंदर जा सकता है ना कोई अंदर से बाहर आ सकता है। आज तो रात मेरे यहाँ गुजारनी पड़ेगी, सुबह होगी तो फिर रंग बिरंगी से मुलाकात होगी, उसके सामने देखता हूँ तू कितनी होशियारी दिखा सकता है। खतरनाक है, डेंजरस है, स्ट्रिक्ट है, गलती इतनी सी और सजा इतनी सारी। तू अच्छा छुटकन है। आज की रात मेरे यहाँ रह जा बेटा, ठीक है? हंस बेटा हंस। मेरे पूर्वजों की ब्लेसिंग आशीर्वाद रहा है मेरे साथ, ना हारूंगी मैं जिंदगी में कभी, है मुझे ये विश्वास। मैडम, आबरा का डाबरा। मैजिक स्कूल में सुबह उठने का वक्त पौने छः। और आपकी आंखों से नींद परी कितने बजे उड़ी? सवा छः। देर हुई ना, पर क्या करें आप भी, दिन भर इतनी पढ़ाई, चमत्कारों की सिखलाई, मासूम मन, कमजोर बदन, नन्ही सी जान, कितनी परेशान। लेकिन जो नियम कायदे कानून बनाए हैं वो तो निभाने ही पड़ेंगे। आलस का मतलब गलती, गलती का मतलब अपराध, अपराध का मतलब दंड, और दंड का मतलब सजा। तकलीफ तुम्हें, हमें मजा। मैडम, आपको मेरा नाम कैसे मालूम? आंखें, आंखों का इस्तेमाल, हर पल नजर, सामने तुम्हें आते भी देखा, लीमू को चाचा बुलाते भी देखा। स्कूल का पहला सबक, झूठ और छल का थैला घर पे छोड़ के आना, ठीक? लेकिन मैडम, मैडम अगर मैं झूठ नहीं बोलता तो लीमू चाचा सामने नहीं आते और मैं यहाँ नहीं आ सकता था। पहली गलती, माफी पाई तुम। दूसरी गलती, बहस, चलो वो भी भुलाई मैंने। तीसरी गलती नहीं भुला पाऊंगी। जुलु। जी मैडम। इसे सारा स्कूल दिखा दो और सब समझा भी दो। जी। जुलू नाम है इसका, ये तुमको ठीक जगह पहुंचा देगा। देखो
मैंने तुम्हें स्कूल के सारे नियम समझा दिए हैं। समझ गए ना? ठीक से। हाँ। देखो ये रही तुम्हारी क्लास। ये? हाँ। नया आया लगता है। चल इसकी टांग खींचते हैं। ए। अरे ये कौन है? नया नया आया है ना? हाँ। जादू सीखने? हाँ। देख गोचू, यहाँ उसी को एडमिशन मिलता है जिसको थोड़ा बहुत जादू आता है। हाँ। हाँ। तुझे क्या जादू आता है? इसकी शक्ल देखकर तो नहीं लगता कि इसे कोई जादू वादू आता होगा। पता नहीं कहाँ कहाँ से मुंह उठाए चले आते हैं।